Superstar Rajinikanth is all praises for R. Madhavan's magnus opus Rocketry: The Nambi Effect, and he took on Twitter to share his appreciation. Calling it a must-watch, he went on to applaud R. Madhavan for his directorial debut, stating that his work was at par with the best directors. This is what Rajinikanth said in a note written on Twitter. Apart from Rajinikanth, many celebrities including Priyanka Chopra, Amitabh Bachchan and others praised the actor. Veteran actor Anupam Kher too took to Twitter with a video where he shared his thoughts after watching the film. मैं अभी आर माधवन की रॉकेटरी देखकर आया हूं, जो नंबी नंबियार साहब की जिंदगी पर आधारित है, देश के महान साइंटिस्ट। मैं बहुत रोया फिल्म में, मैं तकलीफ में रोया, देश के प्रति जज्बे को देखकर रोया। माधवन की सिंसेरिटी और जिस कंपैशन से उन्होंने वो फिल्म बनाई है, उसे देखकर मुझे दुख भी हुआ और प्राउड भी महसूस किया। इट्स सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट आई हैव सीन ऑफ लेट। और नंबी नंबियार साहब ने जो तकलीफ़ें झेली और उनकी ब्रिलियंस इज़ सो मूविंग, उनकी ब्रिलियंस इज़ सो इंस्पिरेशनल, सो कंपैशनेट। उनका देश के प्रति प्रेम, हर सीन कितना खूबसूरत था, कास्टिंग कमाल की थी, टेक्निकल टीम कमाल की थी, डायलॉग्स वर सुपर्ब। दो तरीके से इस फिल्म को देखा जा सकता है, एक जो नंबी नंबियार साहब की ज़िंदगी, अमेजिंग, इंस्पिरेशनल, थैंक यू, सॉरी फॉर व्हाट यू वेंट थ्रू, और दूसरा जिस रिमार्केबल क्लैरिटी से माधवन ने ये फिल्म बनाई है। तो थैंक यू नंबी नंबियार साहब फॉर योर लाइफ एंड थैंक यू आर माधवन फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। Thank you. I'm very touched and I'm glad that you started your career with our company. But apart from that, your performance is world class. You are phenomenal in film. During a promotional stint, when asked whether Madhavan has any other directorial ventures in the pipeline, the actor clarified that due to the overall exhausting nature of directing a movie, he has no immediate plans as such. देखिए, मैं तो नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और फिल्म अगर फ़ौरन डायरेक्ट करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना फालतू डायरेक्टर हूँ। ये डर है मुझ में, क्योंकि ये कहानी कैसे बन गई ये खुद मुझे नहीं पता। लेकिन नंबी नारायण साहब खुद कहते हैं कि इस देश में ऐसे बहुत सारे नंबी नारायण हैं जिनके बारे में कहानी बताना ज़रूरी है और जिनके बारे में पिक्चरें बनना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जल्दी बहुत सारी कहानियाँ बाहर आएंगी। Since Narayanan believed in him, he pushed Madhavan to direct the film after the original director had to quit midway. पहली बात तो रिस्पेक्ट जीतना बहुत बड़ी बात है, और फिर उनके साथ उनको ये कन्विंस करना कि मैं उनके साइंस के बारे में समझ पा रहा हूँ, वो उससे भी बड़ी बात है। पर जब मुझे इनको ये बताना पड़ा कि मैं इनके केस के बारे में नहीं बल्कि इनके इंजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो ये मुझे अलग तरीके से देखने लगे। इनको लगा कि एक एक्टर जो है ये मेरे लिक्विड फ्यूल इंजन के बारे में क्या बताएगा और कैसा जानेगा, इसको मैं कैसे समझाऊं। तो ये सब चीज़ों को पार करने के लिए जो मुझे कन्विंस करना पड़ा नंबी साहब को कि मैं साइंस के बारे में जानता हूं। तो एक टाइम पे इन्होंने आके मुझे कहा, जब मैंने उनको अपने साइंस के बारे में और इनके जो इनकी टेक्नोलॉजी को समझने में मैंने इनको कन्विंस किया, तो उन्होंने कहा कि काश तू मेरे एक टीम का मेम्बर होता। Madhavan will be next seen in Amriki Pandit, a high-concept comedy movie directed by Kalpesh Karg. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.